हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मुझे आपको WWE की दो जरूरी अपडेट्स देनी है। पहला ये कि इस हफ्ते रॉ के लिए शॉन माइकल्स के आने की न्यूज कंफर्म हो गई है, और दूसरा WWE ने रेसलमेनिया 35 के लिए एक बहुत बड़ा मैच डिसाइड कर लिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं इस बारे में। पर शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे रेसलिंग पीडिया चैनल को और बेल आइकन को दबा के मेरी किसी भी वीडियो को मिस मत करिए। पिछले हफ्ते रॉ में हमने देखा कि शॉन माइकल्स रिटायरमेंट से बाहर आ गए और इसी के साथ डी जनरेशन एक्स भी वापस आ गई WWE में। रेसलमेनिया 26 में रिटायर होने के बाद शॉन माइकल्स का क्राउन ज्वेल में पहला मैच होने वाला है ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ। और इस हफ्ते के रॉ के लिए शॉन माइकल्स के आने की न्यूज कंफर्म हो गई है, और ये न्यूज हमें मिली है PW इनसाइडर से, जो कि एक जानी मानी रेसलिंग वेबसाइट है। शॉन माइकल्स इस हफ्ते रॉ में क्राउन ज्वेल में हो रहे उनके मैच के बारे में डिस्कस करने आएंगे। रेसलमेनिया 35 के लिए WWE ने एक बहुत बड़ा मैच प्लान कर लिया है, और ये मैच है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रोंडा रोजी और शार्लेट फेयर के बीच। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ही सुपरस्टार्स अलग अलग ब्रांड में है। रोंडा रोजी रॉ में है और शार्लेट फ्लेयर स्मैकडाउन लाइव में, इसलिए ये मैच तभी पॉसिबल हो सकता है जब शार्लेट फ्लेयर वुमेन्स रॉयल रंबल जीत कर रोंडा रोजी को चैलेंज कर दें, क्योंकि रॉयल रंबल जीतने वाला रॉ या स्मैकडाउन दोनों में से किसी भी ब्रांड के चैंपियन को चैलेंज कर सकता है। पर फिलहाल 28 अक्टूबर को इवोल्यूशन पेपरव्यू में रोंडा रोजी फेस करेंगी निकी बेला को रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, और शार्लेट फ्लेयर फेस करेंगी बेकी लिंच को स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इतनी ऑसम वीडियोस आपसे मिस ना हो।